हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 8th क्लास के स्टूडेंट्स के काफ़ी मुझे कमेंट्स आते हैं और काफ़ी बच्चों ने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। ये आप लोगों का बहुत मतलब थैंक यू है। आपकी वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से मैं 8th क्लास की वीडियोज़ ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि 8th क्लास के बच्चों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है मुझे। और आगे अगर 9th और 10th के बच्चे भी चाहते हैं कि उनका कंटिन्यू रहे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो। तो आज हम क्लास 8th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साउंड का फर्स्ट रिवीजन सीरीज हमने कर ली थी, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी सेकेंड रिविजन सीरीज। और आई होप आप इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा टॉपिक है आपको डेफिनेशन, जिसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, आज हमने वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, आज आपको इस वीडियो में ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो वाइब्रेशन, जैसे कि आपको पता है कैसा मोशन होता है, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वाइब्रेशन होता है, अगर इसको मैंने ऐसे हिलाया तो क्या हुआ, आगे पीछे हुआ। ठीक है, तो उसमें क्या हो रही है, वाइब्रेशन। और साउंड प्रोड्यूस होती है उसमें कौन होता है, वाइब्रेशन। ठीक है, तो वाइब्रेशन कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फोर्थ मोशन होता है उसमें, तो वहां पे क्या होती है, वाइब्रेशन। और साउंड प्रोड्यूस होने का कारण क्या होता है, वाइब्रेशन। ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि ऑसिलेशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। फ्रीक्वेंसी को मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, बट यहाँ पे थोड़ी सी और फ्रीक्वेंसी को हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाइब्रेशन, जैसे कि मैंने बताया आपको, मूव बैक एंड फोर्थ। अब देखो, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मैंने थ्रेड से बांधा हुआ है, और यहाँ पे ये गोल एक मेटेलिक बॉल लगी हुई है। ठीक है, इसको हम बॉब भी बोल सकते हैं, जो मेटेलिक बॉल है। ठीक है, अब ये जो इसकी ये पोजिशन है, इस पोजिशन पे ये ए पोजिशन है, यहां से अगर वो अपनी इस पोजिशन पे जा रहा है, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है, फिर दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, मींस अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में गया, वहां से वापस आया, फिर से एक एक्सट्रीम पोजीशन में गया और फिर से वापस आया। तो ये क्या हो रहा है, वाइब्रेशन। अपनी ही मेन पोजीशन से आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो ये हो गई ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन। ठीक है, तो यही क्या होती है, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन व्हेन इट्स बीइंग मूव बैक एंड फोर्थ, जब ऑब्जेक्ट, इसी को ही ऑसिलेशन भी बोलते हैं, कि ये जो बॉल्ब है, बैक और फोर्थ, आगे फोर्थ और बैक दोनों ही हो रहा है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। ठीक है, आई होप आपको ऑसिलेशन समझ में आ गया। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, यहां से यहां तक ये डिस्प्लेस्ड हुआ, यहां से यहां तक ये डिस्प्लेस्ड हुआ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ऑसिलेशन। अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेशन, जब वाइब्रेशन यहां पर हुआ। अब वाइब्रेशन और ऑसिलेशन आपका क्या हो गया, कि बैक एंड फोर्थ मोशन, वो क्या हो गया, वाइब्रेशन, यहां हम उसको ऑसिलेशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एम्पलीट्यूड। अगर ये इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से आगे गया, ठीक है, मेन पोजीशन से आगे गया मतलब जितना आगे गया, जहां जाके ये रुक जाता है, तो इसकी जो ये डिस्प्लेसमेंट होती है, जो इतनी स्पेस होती है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर चलो आगे गया वो भी एम्पलीट्यूड है, और पीछे आया, जितनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसने पीछे कवर की, वही उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इस डायग्राम के थ्रू आप समझो कि कैसे एम्पलीट्यूड हुआ। ये ए पॉइंट हम मान लेते हैं, ये इसका ए पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन शुरू हुई। तो अगर ये आगे को गया, देखो ये यहां आगे को गया, इट मीन्स यहां गया। ठीक है, उसके बाद ये वापस अपनी पोजीशन पे आया, तो ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे, ये जो लाइन है ये क्या हो गई, मेन पोजीशन हो गई। ठीक है, और ये आगे को ये गया, ठीक है, ए से बी को, ए से बी को, बी से फिर से वो कहां आ गया, मेन पोजीशन पे, बी से फिर से आ गया मेन पोजीशन पे। ठीक है, फिर उसके बाद मेन पोजीशन से वो क्या होगा, पीछे की तरफ जाएगा। तो हमने यहां से मेन पोजीशन से ये क्या गया, पीछे की तरफ, और पीछे से फिर से कहां आया, मेन पोजीशन पे। तो ये इसकी ये पूरी जो डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस, ये क्या हो गई, ऑसिलेशन। इसने पूरा बैक और फोर्थ, मतलब यहां पे टू एंड फ्रो,
दोनों कंप्लीट किया, ठीक है, तो वो उसकी क्या हो गई, ऑसिलेशन। और अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड की, तो जब ये अपने यहां से यहां गया तो ये इसका क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। मेन पोजीशन से डिस्टेंस जितनी है ये क्या है इसका, एम्पलीट्यूड। तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं ये क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड हो गया। अब यही क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। जब ये पूरा कंप्लीट करता है तो ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ, जितना हमारा ऑसिलेशन होती है, जितने एक सेकेंड में जितनी ऑसिलेशन होती है वो उसकी क्या होती है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम अगला देखते हैं कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोमेंट ऑफ द पेंडुलम बॉम। जब क्या होता है, टू एंड फ्रो, यहां से ये पेंडुलम बॉम जो है, बॉम है जो हमारा, वो क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन करने में जितना समय लगता है वो उसका क्या होता है, टाइम पीरियड। ये जो हमारा मेन पोजिशन से टू एंड फ्रो मोशन जितना टाइम लेता है वो क्या होता है, उसका टाइम पीरियड, ठीक है। अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में ये आपको आगे भी काम आता रहेगा। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन टी। मीन्स फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, टाइम। टाइम क्या होता है, अगर टाइम ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टाइम क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं आज। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया, बट हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जैसे कि हमने देखा कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन, एक बॉब है वो क्या कर रहा था, टू एंड फ्रो जो मोशन होती है वो उसकी क्या थी, वाइब्रेशन, ठीक है। तो जब वाइब्रेशन जो पर यूनिट टाइम में जो वाइब्रेशन होती है उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। मीन्स अगर ये बॉब था, ठीक है, तो ये अपनी जगह से यहां गया, यहां से यहां आया, तो ये इसकी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इस तरीके से आप देख रहे हो ना, ये फ्रीक्वेंसी। तो एक जो बॉब था वो कंप्लीट कैसे कर रहा था, इस तरीके से कंप्लीट कर रहा था, ये इसकी मेन पोजीशन थी, यहां से ऊपर गया, यहां से नीचे आया, तो ये वन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आगे फिर ऊपर गया, नीचे आया, ये क्या हो गया, सेकंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस तरीके से नंबर ऑफ इसकी क्या चलती जाती है, जितने वाइब्रेशन होते हैं उतनी उसकी ज्यादा क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज, हर्ट्ज, एच ई आर टी जेड। और इसका एसआई यूनिट का जो सिंबल हर्ट्ज का होता है वो क्या होता है, एच जेड, ठीक है। अब ये चीज मैंने आपको बताया कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके अपोजिट होती है, टाइम ऑफ पीरियड के। मींस जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी टाइम उतना ही क्या होगा, कम होगा, और टाइम जितना ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। कैसे, अगर यही फ्रीक्वेंसी जो है और ऊपर जाएगी और नीचे आएगी तो टाइम ज्यादा लग रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जैसे यहां पर आप देखो, ये इसमें क्या होगा, जितने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना ही टाइम उसका क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो छोटी छोटी फटाफट होती जाएगी, ठीक है। टाइम ज्यादा कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो मींस हमेशा आपने याद रखना है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम के क्या होती है, अपोजिट। इससे आपका एट क्लास में न्यूमेरिकल भी है और आगे भी आपको काम आएगा कि आपको फ्रीक्वेंसी दी है, आपको टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड दिया है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, बस आपको एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, एफ इज इक्वल टू वन अपॉन टी। नेक्स्ट जो है हमारा लाउडनेस। लाउडनेस कहते हैं, आप में कई बार दो आवाजें आप सुनते हो, ठीक है, एक तो कोई शोर मचा रहा है बहुत जोर जोर से तो आप कहते हो कितना शोर है, वो आपको पसंद नहीं आता, नॉइज जिसको बोलते हैं, ठीक है। लाउडनेस, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, लाउडनेस डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, ठीक है, जो एम्पलीट्यूड होता है उस पर डिपेंड करती है। अब जैसे आप देखो, यहां पर हमने क्या देखा अभी कि ये इसकी क्या हो गई, एम्पलीट्यूड, ये इसकी एम्पलीट्यूड हो गई ना, तो लाउडनेस डिपेंड इसी पे करती है। अब आपके पास अगर दो साउंड की वाइब्रेशन दी है, एक ये दी है, एक और ले लेते हैं हम, एक ये ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, आप देख रहे हो कि ये ऊंचा ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड कम है, तो इसकी लाउडनेस, इसकी आवाज ज्यादा तेज होगी और इसकी लाउडनेस क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जो शोर है, नॉइज है, जो हमें पसंद नहीं आएगा, जिसकी जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड होगी उतना ही क्या होगा, उसकी
लाउडनेस होगी. तो आपको ये बात याद रखनी है कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड. लाउडनेस ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे. ठीक है, अब अगला आता है हमारा पिच. पिच आपने देखा होगा ना, किसी की आवाज बड़ी सुरीली होती है, बहुत पसंद आती है, और किसी की आवाज बड़ी बेकार सी होती है, ठीक है, या भारी होती है. अब सिंपल ले लेते हैं हम मैन और वोमैन. मैन में आवाज कैसी होती है? भारी होती है ना थोड़ी सी, और वोमैन की आवाज थोड़ी सी क्या होती है? पतली होती है. तो वो किस पे डिपेंड करती है? वो पिच पे डिपेंड करती है. और पिच किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो ये याद रखना, अपने दोनों में डिफरेंस कई बार आता है. लाउडनेस डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड और पिच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और ये चीज आप समझ चुके हो कि एम्पलीट्यूड क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है. ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो रहा है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी. एम्पलीट्यूड क्या है? जो ये अपनी मेन पोजीशन से जितनी डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाती है वो क्या है? एम्पलीट्यूड. ठीक है, तो अब पिच मैन की और वोमेन की किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी. तो आपने याद रखना है, अगर मान लो आप ये देख रहे हो, एक ये देख रहे हो, दूसरा आप ये देख रहे हो, अब इसमें से अगर आपको बोला जाए किसकी पिच ज्यादा है, हमने अभी पढ़ा है कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इसमें ज्यादा है. ठीक है, आप इस फिगर में देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है. इट मींस इसकी पिच क्या है? ज्यादा. और इसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है. ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी कम है, इसलिए इसकी पिच क्या है? कम है. तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिसकी ज्यादा पिच है, वो किसकी आवाज होती है? वो पतली आवाज होती है. मींस अगर आपको दे दिया जाए किसकी पिच ज्यादा है, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मैन की कि वोमेन की, तो आपको याद होना चाहिए कि मैन की पिच जो है वो क्या है? कम है. ठीक है, और वोमेन की पिच क्या है? ज्यादा है. जिसकी पतली आवाज होती है वो उसकी पिच क्या होती है? ज्यादा होती है. इसी तरीके से आपको एक ड्रम आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ, एक ड्रम की फिगर दी हुई है. ठीक है, ड्रम और विसल दे दिया जाए तो किसकी पिच ज्यादा होगी? आपको पता है ड्रम धम धम तेज आवाज कर रहा है, इट मीन्स उसकी पिच क्या है? कम है. और विसल की पतली आवाज है, इसका मतलब उसकी पिच क्या है? ज्यादा है. ठीक है, तो आपने ये चीज यहां समझ लिया, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इस तरीके से नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वेव जितनी है वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या, ऐसा यूनिट हर्ट्ज, ठीक है, उसका सिंबल HZ, फ्रीक्वेंसी 1/T. ठीक है, उसके बाद लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे. जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी, जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उसकी लाउडनेस कम होगी. और पिच किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पर. जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा उसकी पिच होगी, जिसकी कम फ्रीक्वेंसी होगी उसकी पिच कम होगी. फॉर एग्जाम्पल, हाई पिच किसकी होती है? वोमेन की. लो पिच किसकी होती है? मैन की. आप इसमें देख सकते हो, यहां से आप देखो, अगर यहां है ये आपको फ्रीक्वेंसी दी है, अगर फ्रीक्वेंसी यहां आई है तो आप क्या देख पा रहे हो? यहां और यहां दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हो? इसका एम्पलीट्यूड क्या है? ज्यादा. इसका एम्पलीट्यूड क्या है? कम. तो ये क्या होगा? इंक्रीज लाउडनेस. और ये क्या होगा? डिक्रीज लाउडनेस. ठीक है, एम्पलीट्यूड ज्यादा, एम्पलीट्यूड कम, इंक्रीज लाउडनेस और डिक्रीज लाउडनेस. अब यही फ्रीक्वेंसी जो है, अगर यहां आप देखो और यहां आप देखो, तो यहां पर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ये कम है और ये क्या है? ज्यादा है. तो जिसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कम है इसका मतलब वो क्या है? लो पिच. और जिसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो क्या है? हाई पिच. तो यहां पे पिच क्या हो रही है? डिक्रीज. और यहां पे क्या हो रही है? इंक्रीज. ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से टॉपिक समझ में आ गया. एक क्लास में नहीं, आगे ये 11th में और जेई नीट में भी काफी आपको ये जो है इम्पोर्टेंट देगा. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया. तो प्लीज बेल आइकन को दबाना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. ओके स्टूडेंट्स, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए कि नहीं हुए. ओके स्टूडेंट्स.